हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज। सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जब भी हम कोई वर्क करने जाते हैं, चाहे वो ऑफिस का वर्क हो या हमारे कॉलेज का हो या किसी बैंक का हो या कहीं किसी भी जगह का कोई भी वर्क हो, हर जगह आधार कार्ड का होना ज़रूरी होता है। बिना आधार कार्ड के आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते। जो कि पेपर वर्क होता है उसमें आधार कार्ड का होना बहुत ज़रूरी होता है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों आपके आधार कार्ड में आपके मोबाइल नंबर का लिंक होना, क्योंकि बिना OTP के आपका आधार कार्ड पूरी तरीके से काम नहीं करेगा। दोस्तों, क्या होता है कि किसी कारण बहुत से लोगों का जो नंबर होता है आधार कार्ड से लिंक, वो खो जाता है या बंद हो जाता है। तो कैसे आप अपने आधार कार्ड में अपना नया नंबर लिंक कर सकते हो या अपडेट कर सकते हो, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिनसे आप बड़ी आसानी से अपने आधार कार्ड में अपना नया नंबर अपडेट कर सकते हो। और ये दोनों तरीके दोस्तों काफ़ी सरल हैं, इनको कोई भी इंसान फॉलो कर सकता है। इनमें से सिर्फ एक ही तरीका आपको फॉलो करना है, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ तो दोनों ही फॉलो करने हैं तभी जाके अपडेट होगा। सिर्फ इनमें से आपको एक चूज़ करना है, या पहला या दूसरा, और दोनों ही काफ़ी सरल हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला तरीका आपको बताता हूँ। आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर लिंक था जो खो चुका है, या सिम टूट चुकी है, या कुछ भी हो चुका है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका वही नंबर फिर से ऑन हो जाए जो आपके आधार कार्ड में लिंक है, तो जिस भी कंपनी का वो सिम है, चाहे आइडिया का हो या वोडाफोन का हो या एयरटेल का हो या जियो का हो, तो आपको क्या करना है, जिस भी कंपनी का वो सिम है आपको उसके ऑफिस जाना है, और वहाँ आके आपको उसकी पूरी जानकारी देनी है कि ऐसे मेरा ये नंबर मेरे आधार कार्ड से लिंक है, तो मुझे ये नंबर फिर से ऑन कराना है। जब वो आपकी पूरी जानकारी को सुनेंगे और आपको वही नंबर दे देंगे जो कि आपके आधार कार्ड में लिंक है, तो इस तरीके से आपको अपने आधार कार्ड में नंबर अपडेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो नंबर था वही फिर से ऑन हो जाएगा और आपका आधार कार्ड पहले की तरह अच्छे से वर्क करने लगेगा। दोस्तों, जीता था पहला तरीका, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। दोस्तों, वैसे काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, कई तरीके आते हैं कि आप अपने आधार कार्ड में अपने मोबाइल से, आप कंप्यूटर से उसमें कुछ भी करेक्शन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आप नंबर तभी उसमें अपडेट कर सकते हो जब आपका जो पुराना नंबर है वो चालू हो, क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई करप्शन अपने आधार कार्ड में फ़ोन से घर बैठे या अपने कंप्यूटर से करते हैं, तो हमारे नंबर होता है पुराना वाला, जिस जो हमारे आधार कार्ड से लिंक होता है, उस पर एक OTP आता है। बिना OTP के आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों कई केस ऐसे हो चुके हैं कि जब भी पहले क्या होता था कि किसी का आधार कार्ड किसी को मिल जाता था, ऐसे मान के चलो मेरा आधार कार्ड कहीं पर खो चुका है, अब कोई भी इंसान उसको उठाएगा और मेरी जो डिटेल है आधार कार्ड की वो ऑनलाइन जाकर उसमें फिलअप कर देगा और उसमें अपना नंबर अपडेट करके मेरे आधार कार्ड को यूज़ करेगा, तो इससे मेरे काफ़ी परेशानी हो जाएगी। तो ऐसे काफ़ी सारे केस आए थे पहले, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो नंबर अपडेट करने वाला ऑप्शन था बिना OTP वाला, वो सरकार ने बंद कर दिया। उन्होंने एक नया सिस्टम चालू कर दिया कि जब भी आप घर बैठे अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से कोई भी अपडेट करते हो अपने आधार कार्ड में, तो आपका जो नंबर है जो रजिस्टर है इसमें, उस पर एक OTP जाता है। बिना OTP के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब आपका नंबर खो चुका है और आपको नया नंबर अपडेट कराना है, तो आपको अपने नई दिल्ली जनसेवा केंद्र जाना है और उसी इंसान को जाना पड़ेगा दोस्तों जिसका आधार कार्ड है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग आपके अंगूठे से वेरीफाई करेंगे। बिना वेरीफाई के आप कुछ भी अपडेट नहीं करा पाओगे। तो ये जो तरीके हैं दोस्तों, दो तरीके जो कि काफ़ी सरल तरीके हैं, क्योंकि आजकल हर शहर में हर जगह पे काफ़ी सारे आपको जनसेवा केंद्र मिल जाएंगे। और अगर आप पुराना नंबर यूज करना चाहते हो, वही नंबर आपको उसमें रखना है अपने आधार कार्ड में, तो आप उस कंपनी के सेंटर चले जाओ, वहाँ आके आपका वो नंबर आसानी से ऑन कर देंगे नई सिम देकर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको आसानी समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर नया नंबर लिंक कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मैं फिर मिलता हूँ आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।